देखने वाले हैं हमारे इस ट्यूटोरियल में, ये जो वीडियो है दिस विल बी टोटली अनकट लुक है, एंड ये बहुत ही प्यारी सी हमने शार्प नीट आईज एंड बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ की है। सो गाइज गो एंड वॉच दिस ट्यूटोरियल राइट नाउ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब आवर चैनल राइट नाउ। अब ये बंद कर दो। तो मॉडल हमारी ऑलरेडी वेरी प्रिटी है और हम इस पे प्रिटी प्रिटी लुक ही करने वाले हैं। स्किन इज़ वेरी ड्राई राइट नाउ, सो सबसे पहले हम इन पे ग्लो टॉनिक यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ग्लो टॉनिक यूज़ करने वाले हैं। सो ग्लो टॉनिक इज़ फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी एंड ये अनइवन स्किन को इवन करेगा एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। सो ऑलवेज लिक्विड प्रोडक्ट्स को आपने शेक करना है एंड जस्ट स्प्रे ऑन द फेस, बट आपने आईज पे स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद हम फेस यूज सॉरी फैन यूज़ करेंगे। लेंस, सॉरी मैं लेंस बताना भूल गई हूँ। लेंस जो हम यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ फ्रॉम फ्रेश लुक। फ्रेश लुक के लेंसेज हैं ये एंड इसका शेड है हेज़ल, प्योर हेज़ल। प्योर हेज़ल इज़ द शेड। मैं पहले अप्लाई करने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र, देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे बहुत सारे कंसीलर्स एंड फाउंडेशन और अच्छा सा मेकअप करने वाले हैं। सो सबसे पहले जो हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करने वाले हैं वो है क्यूटी ब्यूटी का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो होते हैं ना, दे आर ऑल स्किन टाइप, आप किसी पे भी यूज़ कर सकते हो। चाहे स्किन क्लाइंट की बहुत ज़्यादा ऑयली है, नॉर्मल है, स्पेशली समर्स में तो ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एक सेकेंड, गाइज मैंने वीडियो लगा रखी है अपने फ़ोन पे भी और मुझे वहाँ पे प्रॉपर आवाज़ आ रही है। सो जिसको आवाज़ नहीं आ रही है प्लीज़ चेक योर कनेक्शन। हाँ यू कैन लिसन ऑल्सो। सो मैं पूरी तैयारी के साथ खड़ी होती हूँ। यार थोड़ी मुंडी टेढ़ी है, मतलब मुंडी टेढ़ी नहीं है, थोड़ा कैमरा टेढ़ा है, क्योंकि वो देखो ना थोड़ा टेढ़ा आ रहा है। रुको, फिर फोन सीधा करो। थैंक यू बताने के लिए कि मैं ऑडिबल हूँ। परफेक्ट एंड फाइन नाउ, यस सो एवरीथिंग इज परफेक्ट। आई वॉन्ट कि आप थोड़ा सा ऊपर कर दो क्योंकि उनके फेस पे आ रहे हैं कमेंट्स। ओके, तो वो पीछे जो कमेंट्स के लिए कर रहे हैं सेटिंग, इतनी देर में तुम्हें नॉलेज दे रही हूँ कि स्किन जो है इनकी है ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, मीडियम ड्राई है। और समझ में हमें ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए जो कि ऑयली ना करे मेकअप को, मेकअप को स्टेबल रखे। सो दैट्स वाई हम यूज़ कर रहे हैं क्यूटी ब्यूटी का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र, जिस पे लिखा है कि ये ऑल स्किन टाइप मॉइस्चराइज़र है। आप इसको हैंड पे लेके अप्लाई कर सकते हैं। हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करेगा और बेस को बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी नहीं करेगा। सो बहुत स्लिपरी मॉइस्चराइजर्स अप्लाई नहीं करने हैं आपने। फिर भी यूट्यूब में बताओ। इसको अप्लाई करते बड़ा ही कूलिंग इफेक्ट आता है। सो समझ में बहुत अच्छे से एप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी सी क्वांटिटी में हमने इसको अप्लाई किया है हाइड्रेशन के लिए। आप चाहे तो ये मॉइस्चराइज़र 5 मिनट पहले अप्लाई करके भी छोड़ सकते हैं। ओ तुमसे एक फ़ोन नहीं सेट हुआ, ये लो पकड़ो। यार तुम तो पागल हो गए हो यार, फिर तो देखो ना। यू बेचारों को पागल कर दिया तुमने। हाँ नीचे करना पड़ेगा।
मुझे लगना ही पड़ा तुम्हारे साथ। अब गले पे आ रहे हैं कमेंट्स, गले पे कमेंट्स आ रहे हैं। सुरभि फिट एंड फाइन नाउ? यस मैम। ओके, सो मॉइस्चराइजर हमने अच्छे से अप्लाई कर दिया है, स्किन हाइड्रेट हो गई है बट स्किन बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं है, सो बेस बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा, लॉन्ग स्टे रहेगा। मुझे प्लीज़ एक क्यू टिप देना, फिंगर्स के साथ आप अप्लाई करो सो दैट जो बेस है वो अच्छे से मर्ज हो जाए। ऊपर देखना है, देन इसके बाद मैं डायरेक्टली कंसीलिंग करने वाली हूँ ऑरेंज के साथ। तो हमने लिटिल बिट ऑरेंज लिया, ऊपर देखना है, ऑरेंज दिखाओ कौन सा है ज्योति, आगे आओ थोड़ा, इसको पकड़ा दो। तो जो हम ऑरेंज यूज़ कर रहे हैं वो हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, पकड़ना खोलना, या मैं फिंगर्स के साथ भी अप्लाई कर सकती हूँ या ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो हमने थोड़ा सा लिया, इसको ऐसे अप्लाई कर दो, देन आप इसको फिंगर्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, एज यू फील कंफर्टेबल। तो जो हमने ऑरेंज यूज़ किया है, दिस इज़ अ लिक्विड कंसीलर फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी। लिक्विड वाली चीज़ जो है वो आप नॉर्मल स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयली पे भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी कवरेज बहुत अमेजिंग है और बेस्ट चीज़ ये है कि इसकी बॉटल जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेके बैठी है, तो आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने फ्री लांसिंग पर जाना है, अकेली ये बॉटल ले जाओ, आप सब पे कंसीलिंग कर सकते हैं। हैवी डार्क सर्कल्स है तो ज़्यादा लगा देना, कम है तो आप थोड़ा कम लगा देना। इधर करना है, चलो जी। वीडियो में थोड़ा ज़्यादा ऑरेंज लग रहा है बट प्रैक्टिकल इतना ऑरेंज है नहीं जितना मैं देख पा रही हूँ। लिटल बिट आई फील टैनिंग हेयर ऑल्सो। हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल कर रहे, सुरभि पूछना क्या मैम हिंदी लैंग्वेज में ही बोले तो आप सभी के सभी को समझ आ जाएगी, या फिर मिक्स चले, थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी? इंग्लिश हमारी थोड़ी पुअर है बट स्टिल इट्स ओके। देना मुझे कंसीलर डार्क वाला किट। लखनऊ से गुड मॉर्निंग आ रही है। गुड मॉर्निंग, अब थोड़ा सा गुड नाइट हो रही है, ओ सॉरी गुड आफ्टरनून हो रही है। वो मुझे क्यूटी ब्यूटी वाली पैलेट दो। यस मैम, हिंदी में। हिंदी में वार्तालाप करेंगे, शुद्ध हिंदी या देसी हिंदी? नेक्स्ट पंजाबी। पंजाबी तक नहीं कर सकते। ओके, सो अभी हम क्यूटी ब्यूटी की कवर ऑल पैलेट कर रहे हैं। सी, ये ऐसी पैलेट है जिसमें आप कंसीलिंग भी कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं, इसको तो फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास ऐसी स्किन टोन आ जाती है जिसका हमारे पास फाउंडेशन ही नहीं होता, लाइक वेरी डार्क या वेरी लाइट। तो आप ये वेरी लाइट के लिए ये वाला फाउंडेशन के ऊपर मिक्स कर दो, आपका काम चल जाएगा। ये वाला मिक्स कर दो, डार्क पे काम चल जाएगा। तो आपके पास ऑलवेज ऐसी एक पैलेट डेफिनेटली होनी चाहिए। तो अभी राइट नाउ आई एम यूजिंग ब्रश फ्रॉम सिनोरा। आपको पता ही होगा कि मैं बहुत यूज़ कर रही हूँ आजकल सिनोरा के ब्रशेज, बिकॉज दे आर सुपर अमेजिंग। और अभी इनके कंसील करने के लिए, डार्क प्रॉब्लम के लिए, मैं ये और ये शेड थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ एंड हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। इसकी कवरेज बहुत अमेजिंग है, जैसे कि स्किन ड्राई है तो मैं प्रेफर कर रही हूँ कि मैं क्रीम वाले प्रोडक्ट के साथ कंसीलिंग करूँ पहले, एंड देन इसके बाद अगर हमें लगा कि रिक्वायरमेंट है फाउंडेशन की तो लिटिल बिट कवरेज देने के लिए हम फाउंडेशन भी यूज़ करेंगे। सो अब देखो कि फॉरहेड पे जो कंसीलिंग है वो एकदम प्रॉपरली हो गई है, ऐसे रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि हम फाउंडेशन इस पे अप्लाई करें। डैबिंग कर रहे हैं हम जस्ट, गाइज ये फ्री का ज्ञान कोई नहीं देता है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, स्टेप के स्क्रीनशॉट्स लो। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स आपको क्यूटी ब्यूटी के वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ऐप भी है वेबसाइट पे। उनकी जो ऐप है वो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों में अवेलेबल है क्यूटी ब्यूटी के नेम से ही, तो आप वहाँ से प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो।
और मनीराम पर भी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हाँ लाइक अगर आप मनीराम से ऑनलाइन भी मंगवाना चाहते हैं या शॉपिंग जाना चाहते हैं तब आप वहाँ पे भी मंगवा सकते हैं। इधर देखते हैं, सो एवरी कहीं पे भी आप बैठे हो ना, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम कहीं से भी। ऊपर देखना है लिटिल बिट, मैंने फेस पे इसी से ही कंसीलिंग कर दिया। आप देख रहे हो कि ऑरेंज इफेक्ट जो है वो टोटली हट गया है। वो करना बैटरी दिखा रहा है, वो आई थिंक चार्जिंग नहीं हुआ प्रॉपरली, किसी और में उसको करो। सी फाउंडेशन, अब हम इसके ऊपर कितनी अप्लाई करेंगे? वेरी लिटिल, क्योंकि कवरेज जो है इसी पैलेट ने बहुत अमेजिंग दे दिया। ये पैलेट कहाँ से है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो ये पैलेट का रोल अभी हमने ख़त्म कर दिया है। अभी हम इसको कंटोरिंग के लिए यूज़ करेंगे। राइट नाउ हम फाउंडेशन यूज़ करने वाले हैं। ये एकदम फुल कवरेज फाउंडेशन है, लॉन्ग वेयर फाउंडेशन है, रेडिएंट भी है, तो आप इसको किसी पे भी स्किन पे यूज़ कर सकते हो। ये क्यूटी ब्यूटी की ही फाउंडेशन है एंड इसकी हम थोड़ी सी ड्रॉप लेंगे तो ये बहुत ही अमेजिंगली कवरेज देगी। तो अभी इसमें हम जो शेड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ नंबर वन। एक हमारे पास और शेड था ना जो नंबर थ्री था, वो हम मिक्स कर देंगे। लिटिल बिट इसमें मिक्स कर दो। सो लिटिल बिट हम इसको अपनी प्लेट पे डाल दो बेबी। ये लो, ज़्यादा डाल दी, थोड़ी सी चाहिए थी, थोड़ी मतलब ज़्यादा डाल दी है। तो अब हम थोड़ा सा ही इसको यूज़ करेंगे। मैंने अप्लाई कर दिया फिंगर्स के साथ। आपको ब्रश के साथ अप्लाई करना है, ब्रश के साथ कर सकते हैं। शेड अभी वैसे हमने दूसरा शेड नहीं मिक्स किया है क्योंकि वो शेड इनको मिला नहीं है, कहीं रख दिया है। पर नीचे वाला बेस इज़ वेरी डार्क, सो आप ये सिंगल शेड भी यूज़ कर सकते हैं। जो नंबर हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ वन। इधर करना है, या नो नो कर रहे हैं जो हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से स्प्रेड कर देगा। तो दिस इज़ अ फाउंडेशन ब्रश एंड इसको अच्छे से डैबिंग कम ड्रैगिंग फॉर्म में हम फाउंडेशन को ब्लेंड कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग है, हैवी फाउंडेशन बिल्कुल नहीं है। ज्योति तुमने दो पंप्स डाले थे, दो पंप्स के साथ ही फाउंडेशन ने बहुत अच्छा कवरेज दे दिया है, बहुत ही अच्छा डैब कर रहे हैं ऑल ओवर द फेस। इधर करना है, देख बच्चों को मेरी शर्ट से पता लग गया। बच्चों को मेरे देख, हाँ तू ही घूम ले फिर पीछे, हाँ तू ही दे दे डेमो। देखो जी मैं बहुत जेलस हूँ, प्लीज ऐसा कोई काम मत करना। थोड़ा सा कानों पे भी अप्लाई कर दो इवन करने के लिए। ओके, सो फाउंडेशन ने बहुत अच्छा कवरेज दे दिया है। अगर किसी को लाइट मेकअप चाहिए होगा, ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, बेसिक में चाहिए होगा, तो आप इतना ही लगा के आप इसको पाउडर फिक्सिंग के साथ फिक्स कर दीजिए। नंबर वन ये फाउंडेशन हमने यूज़ किया है। स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट। लिटिल बिट कंसीलर दे दो मुझे। हाँ अब कंसीलर पे आते हैं। जो मैंने आपको पैलेट दिखाई थी आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। बट राइट नाउ हमारी नॉर्मल स्किन है, वेरी ड्राई नहीं है, सो दैट्स वाई हम यूज़ कर रहे हैं HD फोटोजेनिक फुल कवरेज कंसीलर। तो ये कंसीलर बिग क्वांटिटी में है, ख़त्म नहीं होते हैं। तो जब हम स्टार्टअप करते हैं या हमें होता है कि हमारा प्रोडक्ट ख़त्म ना हो, तो हमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि कवरेज भी अच्छी है, क्वांटिटी बहुत अमेजिंग है। सो इनमें से दिख ही रहा है कि कौन सा शेड जा सकता है। ये दोनों शेड्स मैं अवॉइड कर रही हूँ, आई एम यूजिंग दिस शेड। ये पकड़ना।
सो कंसीलर अगेन इज फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी. मेरी बात सुनना, ये देखना एक मिनट वीडियो. सही चल रही है. नंबर है 1. पतला है ये कंसीलर, हैवी नहीं है बिल्कुल भी. इधर करना है. अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट्स बिल्कुल भी केकी मेकअप लाइक नहीं करते हैं, या केकी तो ऑब्वियसली हम क्यों ही करेंगे, बट वो आते ही बोलते हैं कि मुझे केकी मेकअप नहीं चाहिए, तो ऑलवेज गो विद द ऐसे कंसीलर्स जिनकी कवरेज अच्छी हो बट वैसे लाइट वेट हो, मतलब बहुत थिक ना हो, बहुत हेवी ना हो. जैसे कि ये वाले हैं, मोटे नहीं हैं, एज इन की कवरेज बहुत ही फाइन है, एंड इसका जो पिगमेंट है वो बहुत अमेजिंग है. Give me blender, please. तो अभी हम लिटिल बिट ब्लेंडर यूज कर रहे हैं. टिश्यू देना, थोड़ा गिल्ला है. मुझे पानी मंगवा दो. जहाँ जहाँ पे हमने कंसीलर अप्लाई किया है उसको हम लिटिल बिट ब्लेंड कर रहे हैं. बहुत इवनली कवरेज हो गई है. नोज पे भी हम उसको वेरी इवनली ब्लेंड कर रहे हैं, हर एक एरिया पे. इधर करना है. बहुत प्यार से, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि बेस पूरा ड्रैग हो जाए. वेरी इवनली, बहुत सॉफ्टली, क्लाइंट को लगनी भी नहीं चाहिए. हमने क्लाइंट को मारना नहीं है, प्यार से मेकअप करना है. तो जब आपको है कि मुझे थोड़ा HD लुक देना है, आप ये कंसीलर डेफिनेटली यूज़ करो, कम क्वांटिटी में यूज़ करो. और अभी जैसे आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बेस लग रहा है, बट आफ्टर सम टाइम ये नहीं लगेगा, बिकॉज अभी पूरी रिंग लाइट हमने वाइट की हुई है और हैवी यूज़ की हुई है लाइट्स. सो अभी थोड़ी देर के लिए लगेगा, जब तक फिक्सिंग वगैरह नहीं होती. तो डरना नहीं है मेकअप करते हुए, ऑलवेज ऑलवेज थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर भी नहीं. ओके, मुझे एक लिपस्टिक ही दे दो. सो मैं थोड़ा सा लिक्विड ब्लशर यूज़ करने वाली हूँ. तो लिक्विड ब्लशर के लिए लिपस्टिक ही यूज़ कर लेते होते हैं हम. तो हमने वो थोड़ा सा अपने ब्रश के ऊपर अप्लाई कर दिया. ये वाला ब्रश मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ फॉर द ब्लशर. क्योंकि लिप कलर यूज़ किया तो इसको हमने ब्लेंड जल्दी करना है, लेट नहीं करना है बिल्कुल भी. आपको ज़रूरी नहीं है आपको अलग से टिंट्स बाय करने हैं. आप एक ब्लशर, सॉरी लिपस्टिक के साथ भी आप ब्लशर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ. दिस इज़ लिटिल बिट रिस्की बट नॉट इम्पॉसिबल. हमने फ्री हो जाना घंटे में. वाओ, ब्लशर अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा लग रहा है. ब्लशर, सॉरी ये ब्लशर नहीं है, दिस इज लिप कलर क्यूटी ब्यूटी का ही. कलर कौन सा हमने यूज़ किया है? कलर जो हमने यूज़ किया दैट इज़ नंबर 12 हनी शेड. और इसको हम अपने फाउंडेशन ब्रश के साथ ही ब्लेंड कर रहे हैं.
बहुत अमेजिंगली ये ब्लशर ब्लेंड हो जाता है बहुत प्यार से, बट आपने इसको ज़्यादा देर नहीं रखना है नहीं तो ये सूख जाएगा और पैच बन जाएगा। तो प्रोडक्ट्स की गलती नहीं होती है, आपकी टेक्निक्स की भी मिस्टेक होती है कि आप उस टेक्निक को कितने अच्छे से फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। तो सी हम ब्लशर लिपिका ठीक सुरभि ठीक सही जा रहा है ना, बेस बहुत अच्छा लग रहा है एकदम मस्त वाला जैसे मैं अपने ब्राइड्स पे करती हूँ। गाइस इतना समझ आ गया ना, मैंने पूरी ट्राई की है कि आपको बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझा पाऊँ। अब मैं लिटिल बिट कॉन्टोरिंग करूँगी विद द सेम पैलेट जो हमने पहले यूज़ की थी, दिस इज़ फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी। सिर्फ एक बार बता दो ये कहाँ पर अवेलेबल है। आपको ये आवाज़ कैसी लगी जो ऐप है? तो हम लिटिल बिट ब्रॉन्जिंग कर रहे हैं। सी हमने यहाँ पे ब्रॉन्ज कर दिया है, बट आप इधर देखना, इधर करना, ये अभी भी थोड़ा सा लाइट है। तो मैं पाउडर ब्रॉन्जिंग नहीं कर रही हूँ, मैंने जस्ट क्रीमी ब्रॉन्जर ही कर रही हूँ बिकॉज स्किन इज़ नॉर्मल टू ड्राई। सो अभी हम इस पर लिटिल बिट ब्रॉन्जिंग कर रहे हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है इस पैलेट की, सो ये बहुत इवनली ब्लेंड हो जाता है। ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम सिनोरा, सॉफ्टली ब्लेंड कर रहे हैं यहाँ पे भी, इधर करना है। अब हेयर लाइन पे हम थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करेंगे, डैबिंग कर रही हूँ, फिर मैं लिटिल बिट ब्रश को मूव करूँगी। सी आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये वाला वाइट लग रहा है, ये वाला थोड़ा सा ब्रॉन्जी हो गया है। सेम वे हेयर ऑल्सो, इधर करना। मुझे नोज कॉन्टोर ब्रश भी दे दो कुछ पतले वाला, एंड थोड़ा सा नोज कॉन्टोर ब्रश भी करेंगे, दिखा दो मुझे ये वाला ब्रश दे दो। चलो इस पैलेट का नंबर नहीं है ये, तो बस कवर ऑल पैलेट है। कवर ऑल स्क्रीनशॉट ले लो पैलेट का, इसको इवनली हमने ब्लेंड कर दिया, हेयर आल्सो। ब्लेंडर देना, ये सभी के सभी सिनोरा के। मुझे फाउंडेशन ब्रश देना, नहीं नहीं वो डैबिंग वाला। लिटिल बिट अब हम कॉन्टोरिंग एंड अपना बेस ब्लेंड कर रहे हैं प्रॉपरली, सो दैट कोई भी हार्श लाइन ना आए, बेस हमारा बहुत स्मूथ लगे। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। चलो अब हम ब्लेंडर करके डायरेक्टली पाउडर अप्लाई कर देंगे, ऊपर देखना है। इधर करना, गीला करके उसमें से सारा पानी निचोड़ लो। और अभी हम पाउडर यूज़ कर रहे हैं, ऊपर ही देखना है। ओके ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, क्यूटी ब्यूटी का हम ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रहे हैं, एंड इसको मैं पफी या ब्लेंडर या ब्रश के साथ किसी के साथ भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा पाउडर लिया एंड आई एम अप्लाइंग सबसे पहले इसको नीचे अंडर आईज़।
वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा लाइंस आती हैं। हम एक ट्राइंगुलर पफी यूज़ कर रहे हैं, 3 कोनी पफी। हाँ, थोड़ा सा लाफ लाइन पे पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर करना, हाइलाइटर देना, सॉफ्ट एंड जेंटल दे दो चाहे। लिटिल बिट बाकी एरिया पे हम पाउडर अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं। इधर करना, क्योंकि हमें थोड़ा सा फिनिशिंग ग्लॉसी भी चाहिए, तो हम लेसर पाउडर यूज़ कर रहे हैं। नंबर 1 फाउंडेशन ना नेक पे भी अप्लाई कर दो। कोई याद नहीं कर रहा है। अंडर आईज थोड़ा सा एक्सेस पाउडर रख दूंगी अभी मैं, सो दैट अंडर आईज लाइंस ना आए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। न्यूड पेंसिल दे दो मुझे। तो अभी हम व्हाइट पेंसिल यूज कर रहे हैं आईज के अंदर, थोड़ा सा ओपन आई लुक देने के लिए। एंड दिस इज़ अगेन फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी। सारे प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग है, बेस बहुत फ्लॉलेस बना है, स्किन बहुत ड्राई थी बट फाउंडेशन इतनी रेडिएंट थी कि स्किन पे उसने बहुत ही अमेजिंग लुक दिया है। अभी हम नीचे लिटिल बिट अंडर आइज करेंगे। मुझे क्यूटी ब्यूटी वाली पैलेट देना प्लीज़। अल्टीमेट 32 आई शेडो कलर हम यूज़ कर रहे हैं क्यूटी ब्यूटी से। नीचे मैं जस्ट लिटिल बिट ये वाला शेड यूज़ करने वाली हूँ, स्किन टोन से मिलता जुलता, तो ये वाला शेड हम यूज़ करेंगे। देना ब्रश प्लीज़। पकड़ना ऊपर देखना। व्हाइट पेंसिल भी क्यूटी ब्यूटी से ही थी। हाँ जी, अल्टीमेट आईशैडो पैलेट है ये क्यूटी ब्यूटी की। अल्टीमेट आईशैडो पैलेट जिसमें कि कलर की क्वांटिटी बहुत अमेजिंग है। सुरभि एक बार पैलेट ना दोबारा दिखा दो। देखो कलर की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, ये सारे हम इसी पैलेट में से यूज़ करने वाले हैं। मुझे अपने हाइलाइटर देना था ना। तुम अंडर आईज जस्ट थोड़ा थोड़ा कलर अप्लाई कर रहे हैं। अब लिटिल बिट मैं ये वाला ड्रेस से मिलता जुलता कलर अप्लाई करूंगी। इधर करना, ओके। सो अब इसके बाद हाइलाइटर मैंने बोला था कि मैं अप्लाई करने वाली हूँ, सो मैं यूज कर रही हूँ मैक का हाइलाइटर सॉफ्ट एंड जेंटल। एंड यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ इसको थोड़ा बहुत ब्लशर के ही ऊपर। इधर करना है, ये बहुत ही सुंदर नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है, सो दैट्स व्हाई मैं इसको भी यूज़ कर रही हूँ। प्लीज़ कम लुधियाना, प्लीज़ प्लीज़। रीज़न कि देखो हमारे लिए इतना बोरिया बिस्तरा उठा के आना बड़ा ही टफ हो जाता है, बट आप लोग थोड़े दिन के लिए आ सकते हो, क्योंकि जब हम बाहर आएंगे तो क्लासेस की ड्यूरेशन कम हो जाती है, तो आई वॉन्ट कि आप अच्छे से सीखो एंड कम लुधियाना
एनी टाइम, बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, सो आप कभी भी आ सकते हो एंड सीख सकते हो, बट हमारे बैचेस कभी कभी लगते हैं, और अभी हम लास्ट बैच लेने वाले हैं इस ईयर का। अरे गिर गए तुम, बच के, थोड़ा नेक ब्रेस भी कर देते ना, आईज क्लोज, लिटिल बिट कंसीलर हमने अप्लाई कर दिया है, अब इसको हम ब्रश के साथ ब्लेंड कर देंगे। अब आईज आपने ओपन नहीं करवानी है बिल्कुल भी, इधर करना है, बिल्कुल भी आईज ओपन नहीं करवानी है, अभी हमने क्लोज करके आई मेकअप करना है, एंड बड़ा ही प्यारा सा आई मेकअप करने वाले हैं हम, बहुत प्यारा। देना ब्रशेस, पैलेट, सो ये वाला शेड हमने अभी लिया है अपने ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर, एंड इसको हम इनर कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर रहे हैं। चलो मैं फिंगर के साथ अप्लाई करती हूँ, पिगमेंट बहुत अमेजिंग है, फिंगर्स के साथ आप पिगमेंटेड शेडो अप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, टिकमा रिजल्ट आता है, फ्लेक्सीबल सा होता है। क्या आई कंसीलर पूछ रहे हैं? ओके सो आईज पे हम ये शेडो अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत ही फाइन है, पिगमेंटेड है, जस्ट हमने इसको फिंगर पे लिया और इसको डैब कर रहे हैं, आपने ड्रैग नहीं करना है, जस्ट डैब, बिकॉज हमें उसकी इंटेंसिटी जो है वो हाईलाइट करनी है। बड़ा ही क्लासी सा आई मेकअप हम करने वाले हैं, वेरी क्लासी। सो क्लासी आई मेकअप्स में क्या होता है कि शिमरी शेडो होता है या मैट शेडो होता है, इन बैक पे लिटिल बिट आई मेकअप होता है, मतलब लिटिल बिट आई शेडो होता है। नीचे देखना है, शैडो बहुत अमेजिंग है, बहुत ब्यूटीफुल, ओपन करना है, वेरी नाइस, आईज क्लोज, बैक के लिए मुझे थोड़ा सा ब्रश चाहिए, चलो ये यूज कर लेते हैं। वी आर यूजिंग दिस शेड जो हमने पहले यूज किया था अंडर द आईज, ये पकड़ना, वेरी सॉफ्ट हैंडेडली मैं ये कलर यूज कर रही हूँ, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, इनकी पिगमेंटेड शेडो भी है ना, वो भी सॉरी पिगमेंट्स ना, सो हमने ये थोड़ा सा शेडो कर दिया है, इधर करना, लिटिल बिट यहाँ पे किया, अब लिटिल बिट इससे लाइटर कलर ले रहे हैं, इससे लाइटर कलर ये वाला एंड ये मिक्स कर रहे हैं, पकड़ना, एंड थोड़ा सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, इधर करना। पैलेट का नाम अल्टीमेट, अल्टीमेट 32 कलर आई शेडो, क्यूटी ब्यूटी से है ये आई शेडो पैलेट। तो फिर तुम तो एंकर बनोगे।
सो एक्टिव यार, सो एक्टिव। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब मेरे स्टूडेंट्स अपने आप ही इतने दिलचस्पी दिखाते हैं। आई रियली लव दैट, बहुत ही अमेजिंग है वो चीज़ मेरे लिए। सो वी हैव थ्री शेड्स इन दिस, और अभी मैं आई थिंक ये वाला स्पार्कल यूज़ करना चाहूँगी। ये बहुत ही अच्छे फाइन पिगमेंट्स हैं, और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। ये कलर थोड़ा रेनबो वाला है, नहीं ये वाला कलर नहीं, एक जो हमने पिंक सा यूज़ किया था ना वहाँ पे पड़ा है, ये तो नहीं है पिंक, ये नहीं, नहीं नहीं नहीं, तो गोल्ड में जा रहा है, इन्हीं में से ये है। कौन सा, तो ये वाला है, कौन सा दिया था, अच्छा ये रेनबो वाला होगा, ये वाला है आई थिंक, ये गोल्ड में जा रहा है, यही होगा फिर। सो हम इसका पिगमेंट यूज़ कर रहे हैं जिसका नंबर है 8। थोड़ा सा मैंने इसको अपने हैंड पे लिया, वाइट कलर में है ये दिखने में, बट इसका पिगमेंट इज दिस काइंड ऑफ कलर। नीचे दिखना है, अच्छा लग रहा है। वेरी लाइट क्वांटिटी में आपने इसको अप्लाई करना है। नंबर 8 हम यूज़ कर रहे हैं, बट अगर आपको गोल्डन्स में चाहिए, पिगमेंट बहुत फाइन है, मतलब बहुत ज़्यादा फाइन है, हमें फाइन पिगमेंट ही लेना पड़ेगा अगर आपको यूज़ करना है, नहीं तो पिगमेंट्स फेल ऑफ होते हैं, गिरते हैं और आई मेकअप स्पॉइल कर देते हैं। आईलाइनर देना मुझे, मुझे आईलाइनर दे दो। सो अभी हम यूज़ कर रहे हैं कोल पेंसिल ही, आईज क्लोज कर लो, एज अ आई लाइनर। फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी, लैशेज निकाल दी थी वही वाली जो थी, वो कर दी थी। मोटा लाइनर नहीं लगा रही हूँ, जस्ट अ पतला वन। ओपन करना है, सी आईलाइनर लगा के आईज कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत ही अमेजिंग। मुस्कान, जो कुछ पूछो उनसे, बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछो। क्या क्वेश्चन पूछे, इधर करना, आईज क्लोज, दिस इज लाइव वीडियो। आई हैव व्हाट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आज द क्वेश्चन ओपन करना है। नीचे देखना है, थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए। मस्कारा भी हम क्यूटी ब्यूटी से यूज कर रहे हैं, इसका ब्रश भी बहुत अमेजिंग है, एक एक हेयर सेपरेट कर देता है। ओई माँ, ऊपर थोड़ा सा मस्कारा लग गया, कोई बात नहीं, ये नज़र तो लग ही जाती है, तो वो लग चुकी है ऑलरेडी। ढूंढ रही है, ऊपर देखना है। पतला है उसका वॉन्ड, ओके, तो मेरे पास पतला वॉन्ड भी है एंड थिक वॉन्ड भी है, पर मैं थिक वॉन्ड से ही अप्लाई कर रही हूँ। आपको हैंड पे कंट्रोल रखना है, आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं।
ओके सो क्यूट एंड स्वीट लाइक इट यू डोंट भाई तारीफ हो रही है थैंक यू वो दो मुझे ब्रोस के लिए इधर ब्रोस करते हैं वो ब्रोस के लिए आई मेकअप हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है अब हम लिटिल बिट ब्राउन शैडो से ही आईब्रोज बना रहे हैं आईब्रोज पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है अगर आईब्रोज ऑलरेडी नीट है तो सबसे पहले थ्रेडिंग नीट होनी चाहिए देन आपको आईब्रोज बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी सुरभि एक बार उनको बता दो ऐप के बारे में इधर करना है मतलब अगर आपके पास सैमसंग के फ़ोन हैं अगर आपके पास आईफोन के हैं तो हर एक फ़ोन पे इनकी ऐप है तो यू कैन बाय फ्रॉम देयर ऑल्सो आईब्रोज के साथ यार लुक ही डिफरेंट हो गई देना ब्लशर देना गिव मी ब्लशर नार्स का ही दे दो ब्लशर सो हम ये वाला ब्लशर यूज़ कर रहे हैं एंड एक यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्लशर अप्लाई कर रहे हैं चीकी पे इधर करना है अदरवाइज मनी राम की पेज भी है यू कैन गेट फ्रॉम हाँ ऑनलाइन भी है लैशेस पे ग्लू नहीं करा करती नहीं हो तुम ओके तो अभी मेरे को है कि मैं लिटिल बिट लाइनर जो है वो पीछे से विंग्ड कर दूँ नोट्स किस किसने बनाए लेट मी नो कि नोट्स किस किसने बनाए हैं उसके लिए क्लैपिंग होएगी सच में ब्राउन पेंसिल के साथ हम लिप शेप को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे ये ब्राउन पेंसिल इज़ अगेन फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी इसका बेनिफिट ये है कि ये शार्पन्ड ही रहता है और उतनी क्वांटिटी में खुलती है जितनी हमें चाहिए होती है ये रोल ऑन पेंसिल है और कलर बहुत अमेजिंग है मैं ये कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो ये कलर जो है ये 24 आवर्स तक स्टेबल रहने वाला है ट्रांसफ़र नहीं होता है चाहे तो आप इसको एज अ लिपस्टिक की तरह फुल भी फिल कर सकते हो ओके वेरी नाइस प्लीज क्लैपिंग करी जाए उनके लिए ग्लोइश मेकओवर ने भी कुमू ने भी मैं भी अपने टाइम पे बहुत सारे नोट्स ऐसे ही बनाती थी डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट की वीडियोस एंड रील्स देख के अभी भी अगर मुझे कोई अच्छा लगता है चाहे वो बड़ा मेकअप आर्टिस्ट है या छोटा है अभी भी हम वो करने में शर्माते नहीं हैं यू कैन लर्न किसी से भी तुम्हें जिससे अच्छा लगता है तुम्हें सीखना चाहिए जो मैंने ब्लशर के लिए शेड यूज़ किया था ना वही शेड हाँ वही डाल दो
या थोड़ा सा लिप शेप यहाँ से हो गई कंसील देना, वो जो फाउंडेशन प्लेट में पड़ी है वही मैं थोड़ा कंसील कर देती हूँ। दे दो दे दो। बहुत लोगों ने नोट्स बनाया मैम, सबके लिए प्लीज जोरदार तालियां। एक जाना ही करो, तुम्हारी तालियों की आवाज नहीं आ रही? शर्म नहीं आती? मैंने अपने बच्चों को प्रॉमिस किया था वेट वाइप देना। लैशेस लिप कलर प्लेट में निकाल दो बेबी। नंबर क्या था? लिपस्टिक वही वाली है जिससे ब्लश अप्लाई किया था एंड हनी। यस 12 हनी 12। तुम्हारी हिंदी थोड़ी वीक है, इंग्लिश इधर करना। अच्छा इंग्लिश। हेयर क्लीन करना वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम थोड़ा सा बालों की तरफ बढ़ रहे हैं, बाल क्लीन कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जैसे मैंने आपको बोला। यार तुमने नेक बेस नहीं किया यार, मैंने कितनी बार बोला। वो टिश्यूज लगा लेना। ओपन करना। लैशेस हो गई। लिप कलर एक बार दिखा भी दो। लिप कलर फ्रॉम क्यूकी ब्यूटी 12 जिससे मैम ने ब्लश अप्लाई किया था, शेड है हनी। इधर करना। यस आईज क्लोज। सूख गई यार, इधर करना है। सिनोरा कितनी देर से हमने लाइव स्टार्ट की हुई है, हमने कितने मिनट्स में मेकअप कंप्लीट किया है? दिखा दी तुमने लैश? कमेंट्स में बताओ आपको लुक कैसी लगी। देना झाड़ू। सो ये रहे हमारे पास एक झाड़ू ब्रश जो फेस से काफी हेयर या ग्लिटर्स या डस्ट ऑफ करने में हेल्प करता है प्रोडक्ट्स। लैशेस सिनोरा की थी। लिप पैलेट दे दो मेरी। फिर भी तुमने ना नंदनी को कॉल करना है, उसको बोलो एक वीडियो दे जिसमें मैंने लिप डेमो के टाइम पे जिसमें मैंने लिप करी भी उसकी थी। ओके तो वो वाली डालनी है। वी हम लिटिल बिट अपनी लिप पैलेट को टॉपिंग देते हुए
की टॉपिंग देते हुए। Fabulous, amazing, amazing and elegant look. यार सच में बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू गाइज हमारी लाइव ज्वाइन करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और ये लाइव सीखी। और मैं आपको बताना चाहूँगी आज हमने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं सारे के सारे किससे थे, क्यूटी ब्यूटी से, एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है, यू कैन ट्रस्ट, यू कैन बाय, और ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे अगर आप लेना चाहते हो कहीं पे जाके, तो आई थिंक आपके नियर बाई स्टोर्स में अवेलेबल होंगे, अगर नहीं होंगे तो यू कैन ऑर्डर। और आजकल ऑर्डर्स की डिलीवरी बहुत जल्दी हो रही है, बहुत क्विक हो रही है, सबको लगेगा ही नहीं कि आपको ऑनलाइन बाय करना पड़ रहा है। मुझे देना वो ब्रश, अलाइनर ब्रश। ओपन करना, यस सॉरी वो मैं ऑनलाइन नहीं बता पाती, फिर भी मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ। सो मैम अभी बहुत सुंदर सुंदर लुक्स और पोस्ट करने वाली हैं, आपके पेज पर बहुत प्यारी प्यारी लुक्स चली हुई हैं जो कि मैम डेमो देते हैं, पर उनको बताओ कि कहाँ की बात कर रहे हो तुम। यूट्यूब चैनल की, तो यूट्यूब चैनल है मैम का साक्षी गुप्ता मेकअप स्टूडियो, तो उस पर बहुत सुंदर सुंदर आपको लुक्स देखने को मिलेगी मैम, उसमें अनकट ट्यूटोरियल्स भी डालते हैं जिसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो आप मैम का अभी की अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, अभी जाओ और चैनल सब्सक्राइब करो और मुझे बोलो कि मैम मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, डन लिखो मुझे आके। अभी जाओ सब्सक्राइब करो साक्षी गुप्ता मेकअप स्टूडियो यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब कर आओ और यहाँ पर डन लिखो। झूठ नहीं बोलना, हम चेक करेंगे। आपको खूब तरक्की दे भगवान। वो मुझे हाइलाइटर देना, बेनिफिट दे दो चाहे। सी मुझे तो लुक करके मजा आ गया, हमारी मॉडल भी बहुत क्यूट है, प्रिटी है, एंड उन पे हमने एक प्रिटी सा लुक जनरेट किया है। डन आए हैं, ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए ऑलवेज। वाह वाह ताज, एक मिनट थोड़ा सा आईलाइनर सही करने वाला देना मुझे। हाँ देखो अगर आप YouTube मेरा सब्सक्राइब करोगे ना तो आप ही कोई फ़ायदा है, उसका फ़ायदा ये है कि आप लोग घर पे बैठे बैठे हमारी वीडियोस इंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मुझे क्यूटी ब्यूटी वाली पैलेट देना, वो रही और वो बहुत नॉलेज वाली होती हैं, बहुत ज़्यादा। इधर कर I will see, okay, my मर्जी। दो यार जल्दी से कंसीलर करो, बहुत प्यारा लग रहा है, oh my god, take screenshot, इसके बाद मैं आऊँगी एंट्री लेने और अब मेरे साथ भी screenshot ले लेना। अभी आप देखना कि हम नेक बेस कैसे कर रहे हैं, तो मैंने little bit zoom out कर दिया है। Earrings क्या है हमारे पास,
डू वी हैव एनी इयररिंग्स? इयररिंग्स है नहीं, ज्वेलरी तो असी लेके नहीं आए. ओ माय गॉड ज्योति, आई नीड सम इयररिंग्स. थैंक यू. अच्छा अब मैं आपके कमेंट्स देख सकती हूँ, तो प्लीज़ मेरी थोड़ी तारीफ करें. लिटिल बिट हम फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं, हमने सेम फाउंडेशन अप्लाई करी है जो हमने फेस पे अप्लाई करी है. ये लुक हम डेफिनेटली अपने यूट्यूब पर डालने वाले हैं, तो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करोगे. कैसे सब्सक्राइब करना है मैं तुम्हें दिखा देती हूँ. लेट मी टेक माई फोन. सी यार थोड़े इंग्लिश से चाहिए ना, दिख रहा है क्या? ये हमारा पेज है, हम यहाँ पे गए. ये मेरा सॉरी चैनल है नेम से साक्षी गुप्ता मेकअप स्टूडियो एंड अकेडमी. आप यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा आएगा, आपने वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करना है. दिख रहा है यहाँ पे? ओके तो यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं. सी मैंने कल भी अपलोड की है ग्लैम लुक पे. ये देखो मेरी वॉइस में होएगी तो आपको बहुत इजीली समझ आएगी. सी तो इसमें हमारे पास काफ़ी डॉल लुक है, आई शेडो पैलेट के रिकमेंडेशन हैं, मेरी मास्टर क्लास की लुक भी है इसमें, व्लॉग भी है, बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स हैं. सो ये आपने देखने हैं, सब्सक्राइब कर लो राइट नाउ. और कुछ बहुत सारी है, ये कृष्णा मुखर्जी जो जिनका हमने मेकअप किया था जाके गोवा में, वो पूरा इसमें दिखाया हुआ है हमने. तो हर एक चीज़ आपको पता चलेगी. सी मैं लाइट बंद कर देती हूँ तो शायद आपको ये दिख जाए. ये हमारा पूरा व्लॉग था. बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मतलब अनगिनत, काउंट नहीं कर सकते. सो जाओ एंड सब्सक्राइब करो. ब्लेंड कर दो, इससे कर दो कोई बात नहीं. एयरिंग हाँ कौन सा है दिखा दो यार, ले आओ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया. चलो लिटिल बिट ग्लॉस अप्लाई कर देते हैं. लेंस हैं फ्रेश लुक के फ्रॉम सॉरी फ्रेश लुक के हैं. द शेड इज हेजल, प्योर हेजल. ये सुरभि इट इज इनफ फिक्स विद पाउडर. क्यूटी ब्यूटी का पाउडर से ही कर दो ना. ये पड़ा जो खुला हुआ है वो ले लो ना. ये लो इधर करना है. लिटिल बिट पाउडर करना क्योंकि हमने थोड़ा ग्लैम ही रखना है, ज़्यादा पाउडर नहीं करना है.
हम थोड़ी देर में इनकी वीडियो डेफिनेटली पोस्ट कर देंगे. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द क्या था ज्वेलरी. ज्वेलरी नहीं है हमारे पास. बस बस एड्डा पाउडर नहीं लाना, बहुत है. हाइलाइटर दे दो. डलवा दो. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. पकड़ना देना ये दुपट्टा. थोड़ा सा ना लैश उतर गई है, वो फिक्स कर देना. क्या मैं दिख रही हूँ? ओके ले. ये अच्छा लग रहा है, जा रहे है. डायमंड रिंग्स है हमारे पास. ओके हो गया, छोड़ दो फिर. दो मिनट बच्चे लेट हो रहे हैं मेरे. दरवाजा लगाना. सो गाइस ये थी हमारी आज की लुक, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा ऑन आर यूट्यूब, क्योंकि हम यूट्यूब पर ये लुक डेफिनेटली पोस्ट करेंगे. और आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सभी कमेंट्स ऑफ कर सकते हो, और हमें पोस्ट करके बताओ कि आपको ये लुक कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं. स्माइल रखनी है. ओके बाय बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आज हमने सारी किटी बिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ किए एंड दे आर अवेलेबल एट मनीराम. एंड कहाँ पे अवेलेबल है वो उनकी वेबसाइट पे भी हैं. लाइक अगर आप ऐप में लेना चाहते हैं तो ऐप भी है, आप फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं. और मेरी ये लाइव देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम निकालने के लिए धन्यवाद. बाय बाय. हम नेक्स्ट लाइव में मिलेंगे. टाटा.